नमस्कार, आप देख रहे हैं जनपद की पुकार। जनपद सहारनपुर में नकली नोटों के गिरोह का पर्दाफाश, दो शातिर अभियुक्तों सहित एक महिला गिरफ्तार। पति पत्नी का शातिर जोड़ा अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर धार्मिक मेले में नकली नोट को खपाने की जुगाड़ में लगे थे। वे आगे अपनी बुरी नियत में कामयाब हो पाते उससे पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ गए और उनकी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। जी हाँ, सहारनपुर के थाना मिर्जापुर पुलिस के द्वारा नकली नोट बनाकर चलाने वाले गिरोह को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई है। आपको बता दें कि शाकंभरी मेले में एक व्यक्ति के द्वारा नकली नोट चलाए जा रहे थे। दुकानदारों के द्वारा पकड़कर पुलिस को बुलाया गया तो सारा मामला साफ हो गया। आरोपी अपने दो अन्य साथियों के साथ प्रिंटर से 500 एवं 2000 के नोट स्कैन कर बाजार में चला रहे थे। पुलिस के द्वारा पति पत्नी सहित तीसरे अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस के द्वारा पति पत्नी से 50-50 नोट 500 के बरामद हुए हैं, जबकि तीसरे अभियुक्त से 27 नोट 2000 के बरामद हुए हैं। कल शाकुंभरी देवी मंदिर पे भूरा देव मंदिर के आसपास जब चेकिंग की जा रही थी तो एक नकली नोट एक दुकानदार के पास पे चलाया गया, जिसने उसको जब देखा कि ये नोट नकली है तो वहाँ पर स्थानीय जो पुलिस जो चेक कर रही थी उनको सूचना दी गई। इसकी जो जानकारी की गई तो वाकई इसमें सिक्योरिटी फीचर्स कुछ भी नहीं थे। इन तीनों की जब जमा तलाशी ली गई तो एक अभियुक्त है सोमपाल, इसके पास से 32,000 के नकली करेंसी मिली। रविंद्र एक अभियुक्त है, उसके पास से 25,000 की, और इसी तरह एक अभियुक्ता है किरण, उसके पास से 25,000 की नकली करेंसी हमें बरामद हुई है। तो इसके पश्चात थाना मिर्ज़ापुर पर नकली नोटों के संबंध में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया और इन्हीं की निशानदेही पर एक प्रिंटर, HP का प्रिंटर बरामद किया गया, जिससे ये लोग स्कैन कर कर बॉन्ड पेपर पर, थिक पेपर पर करेंसी को छापते थे और धीरे धीरे मार्केट में चलाने की कोशिश करते थे। अब तक इन्होंने जैसे पूछताछ में बताया कि कुछ नोट्स, 5-10 नोट इन्होंने मार्केट में चलाए हैं अंधेरे के समय, जबकि मेन जो बरामदगी है 88,000 की वो हमारे द्वारा कर ली गई है और इनसे और भी पूछताछ की जा रही है। और साथ ही सोमपाल दो बार इसी मुकदमे में काउंटरफीट करेंसी के केस में मुजफ्फरनगर और देवबंद से पहले भी जेल जा चुका है और इस पे गैंगस्टर एक्ट जो लगा था थाना देवबंद से उससे भी ये जेल जा चुका है। तो इसका आपराधिक इतिहास भी है और इसका खुलासा कल थाना मिर्ज़ापुर पुलिस ने किया और आज इन तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेजकर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। ये अपने घर पर ही छापते थे, बहुत ही सिंपल इनका तरीका था, नोट को स्कैन करके और उसको बहुत ही बारीकी से कलर प्रिंट करके दोनों साइड उसका प्रिंट आउट लेते थे। इसकी फील भी थिक पेपर की है, इसका GSM करीबन 90-95 का है, जो कि हमारे नोट से रिजेंबल करता है। तो काफ़ी शातिर तरीके से इन्होंने नोट प्रिंट किए और मार्केट में धीरे धीरे चलाने की कोशिश की, बट थाना मिर्ज़ापुर पुलिस के द्वारा सराहनीय कार्य करते हुए इन सभी से 88,000 के नोट भी बरामद किए गए और आज इन्हें जेल भेजा जा रहा है। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।